जब आप किसी चौकी पे अपना इलाज करा के संपूर्ण तरीके से अपने घर में अपनी खुशी से रहने लग जाते हो, और उसके बाद 6 महीने 7 महीने 1 साल ज्यादा 2 साल के बाद फिर से आपके घर में वो समस्या आके खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी खुद की गलती है, या कि चौकी वाले की गलती है, या फिर आपके कुछ दुश्मन ऐसे बैठे हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं, बार बार वो आपके घर में कोई ना कोई संकट आपको भेजते रहते हैं? आज मैं इस वीडियो के अंदर यही बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, आपको समझाने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं कि कैसे आप अपने घर को एक सुरक्षा कवच के तहत बांध सकते हो कि आपके ऊपर बार बार कोई तांत्रिक क्रिया ना हो। पूरा समाधान इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रहा है। मैं आपका अपना प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना जिससे भाई आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोते हैं उनकी हम हेल्प कर सके। इसमें आपका एक सहयोग चाहिए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा एनजीओ जल्दी से जल्दी ओपन हो। और भाई जो वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहा हो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करना। लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। जब आप किसी चौकी पे जाके अपना इलाज करा लेते हो और फिर समस्या आपके पास बार बार दस्तक देती है आपके दरवाजे पे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना इलाज तो करा लेते हो, अपना समाधान भी करा लेते हो, आप खुशियों से रहने भी लग जाते हो, पर 6 महीने 7 महीने या कोई आपका ऐसा जलने वाला बंदा बैठा हुआ है जो आपके ऊपर बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहा है, उससे आपको कैसे बचा जा सके, ये सारी चीज आज आपको पता लगने जा रही है। क्योंकि आप चौकी पे जाते हो, कई चौकी वाले क्या करते हैं कि भाई हम पितरों को नहीं पूजवाते, हम आपकी कुल देवी की पूजा नहीं कराते, आप माँ कालिका के मंदिर में जाइए, या आप माँ काली के मंदिर में जाइए, या आप माँ पार्थिव वाले के मंदिर में जाइए, या आपको आप अपनी किसी देवी देवताओं के तहत वहां पे आपका कार्य कराते हैं और उनका भोग प्रसाद निकालते हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है जब आपका इलाज हो जाता है, क्योंकि आप किसी चौकी पे नहीं गए, चौकी पे गए थे तो पितरों को बांध के घेर दिया, आप अपने घर में वो आपकी शक्ति चला रहा है, अपनी शक्ति चला रहा है भाई, शक्ति भाई कभी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगी, 24 घंटे आपके साथ है तो वो चौकी के हिसाब से चलेगी। कैसे वो आपके घर में खुशियां देनी है, क्या आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराना है, क्या आपके घर में प्यार प्रेम देना है, पर कोई चौकी वाला आपको ये बातें बताए या ना बताए, आपको खुद ही ये कार्य करने होंगे ताकि आपका परिवार लाइफ टाइम, जब तक आपका परिवार है, सारी चीज है, खुशियां है, आपका परिवार पत्ता पत्ता तो चलता आ रहा है, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, वो सुखी रहे, उसके लिए आपको ये 4 कार्य ऐसे करने जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका परिवार बिल्कुल ठीक रहेगा। जब भी आपका कोई इलाज हो रहा है, सारी चीज हो रही है, तो भाई जब आप अपने घर से अपना किसी चौकी में जाते हो, जो चौकी वाला ये कहता है कि भाई पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो भाई सबसे पहले अपने पितरों के नाम की दरखास्त लगा के जानी है कि पितर देव आपको उस चौकी पे नहीं चलना, हम आपको लेके साथ चलने जा रहे हैं। क्योंकि क्यों आपको ये करके चलना है मैं आपको ये बता देता हूं, जो चौकी वाले पितरों की पूजा नहीं कराते, अपने पितर आपके घर का पैरा होते हैं, आपके घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका आपका सही गलत का पता हुआ है, पितर कभी भाई आपका गलत नहीं करते। कोई चौकी वाला ये कहता है कि उस पितर आपका पितर है, ये आपको नरक आपके घर में सत्यानाश कर रहा है, आपका बर्बाद कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, पितर कभी गलत नहीं करते, उनकी सिद्धि करके उनको शुद्ध करना पड़ता है। कभी क्या होता है कि भाई जब आप उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते, आप उनका मान नहीं करते, उनका कपड़े दान नहीं करते, तो भाई वो थोड़ा नाराज होकर आपको थोड़ा परेशान जरूर करते हैं, घर में समस्या को आने देते हैं। आप जब उनको भूल जाते हो, क्योंकि कोई भी चीज है, आप अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो माँ बाप भी भाई एक दिन परेशान होकर आपको छोड़ के चले जाते हैं कि भाई रहो, तुम्हें जैसे रहना, जैसे आपको जीना, आप जियो, हम आपके आगे नहीं पीछे नहीं, आपकी लाइफ है, आप जिस मर्जी से करना है उस तरीके से करो। इसी तरीके से पितर भी पीछे हट जाते हैं जब आप उनका मान सम्मान नहीं करते। तो आपको घर से निकलते टाइम सबसे पहले एक दरखास्त लगानी है कि मेरे पितर चौकी पे नहीं आएंगे, मैं अपना इलाज कराने के जो समस्या है, जो मेरे घर में समस्या है, उनको मैं निकलवाने के लिए जा रही हूँ। फिर आपको करना क्या भाई, चौकी से जब आप आ जाओगे, 5 कपड़े अपने पितरों के नाम के आपको अपने पूजा वाले स्थान पे रखने, कोई भी सामग्री दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसके साथ साथ आपको 5 कपड़े अपने पितरों के नाम के रखने ही रखने हैं। अब क्या करना है, दूसरी चीज, अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवी की आपको प्रार्थना करके चलनी है, मेरी कुल की देवी, ये मेरी महारानी, जो आप मेरे साथ हो या नहीं भी मेरे साथ, मुझसे नाराज हो या मुझसे खुश हो, आपको भाई चौकी पे नहीं आना है, मैं आपकी पूजा अपने घर में अब करूंगी, और आपको अच्छे तरीके से मान मना के अपने तरीके से धोख पूज के जितना मुझ में बनेगा वो मैं करके चलूंगी, बस मेरे घर में आशीर्वाद बनाना, कोई गलती मुझसे हुई, भूल चूक में कुछ हुई है तो मुझे माफ करना। उसके तहत आपको अपनी कुल देवी, अगर आपकी माँ शीतला रानी है और माँ चौगान वाली है, तो भाई आपकी शीतला रानी है तो आपको 2 सूट रखने हैं अपनी कुल की देवी के। अगर आपको अपनी कुल की देवी का नहीं पता, जब भी आपको 2 सूट रखने हैं, अगर आपको अपनी कुल देवी का पता, कुल देवी के साथ कोई और शक्ति चलती है जोड़े में, तो उसका भी आपको गहना रखना है, सूट रखने, सूट के अंदर भाई 16 श्रृंगार जरूर रखना है, 10 रुपए की अरदास लगा के अपने ऊपर से 7 बारी घुमा के
अपने ऊपर 7 बार घुमा के अपने पूजा वाले स्थान पे रखना। ऐसे ही भाई ज्यादा पितर के जो कपड़े रखवाए वो भी 10 बार 7 बार घुमा के अपने ऊपर से पितरों के नाम का रखना। जो चौकी वाले आपकी कुल देवी को साथ लेके चले, कुल देवी या चौकी वाले बता के चलते अपने कुल देवी का ये कीजिए और अपने पितरों का ये कीजिए, तो वहां पे आप भाई बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकते हो, आपके पितरों को साथ लेके चलेंगे। पर आपको करना जब होगा, समझना जब होगा। कई चौकी वाले क्या करते हैं कि पितरों को तो साथ बुला लेते, बुलाने के बाद ये कहते हैं तो प्रेत है भाई, इसको रोकना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज देखो भाई, आपके पितरों की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, उनको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। कोई ये ज्ञान दे रहा है तो भाई आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि वो साथ साथ आपका इलाज करने के साथ साथ आपकी कुल देवी और आपके पितरों को प्रसन्न कर रहा है, उनके आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद दिला रहा है, और फिर आपके घर पे एक ऐसा पैरा लगाता है कि आप जिंदगी भर खुश रहते हो। बस आपको अमावस्या निकालनी होती है अपनी कुल देवी के नाम का, थोड़ा भोग प्रसाद आपने नहीं निकाल सकते हो, मिश्री वगैरह का कुल देवी के वाले दिन उनका भोग प्रसाद निकालना चाहिए भाई जी, जिससे कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, पितरों की आपकी कृपा बनी रहती है। इसका फायदा क्या है, मैं फायदा बता देता हूं। पितरों का पैरा होता है आपके घर के दरवाजे में, जो आपका घर का दरवाजा होता है वहां पर पितर का पैरा होता है, कुल देवी का पैरा होता है घर के अंदर। तो भाई दोनों पैरों का क्यों जरूरत है आपको, मैं भी ये बताता हूँ। पितर जब कोई नकारात्मक शक्ति आती है तो पितर से आके पूछती है, मैं इस घर में आ रही हूँ तू आगे से हट जा। अगर पितर शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, आप उनका भोग प्रसाद नहीं देते, पितर आने देते हैं। और पितर ही शक्तिशाली सारी चीज, आप चौकी भी लगाते हो या नहीं लगाते हो, आपके पास देवी या शक्तियां चल रही है नहीं चल रही है, जब भी आपको इस शक्तियों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी भाई, ये पहली बात सुन लेना मेरी। क्योंकि आपने चौकी लगा रखी है, चौकी की शक्तियां चौकी के अंदर ही कार्य करेगी, पितर की शक्ति पूरे घर में कार्य करती है। शक्तियां जो आपके साथ चल रही है वो भी पूरे घर में कार्य करती है, पर मेन गेट पे जो पैरा होता है वो स्वयं पितृदेव का होता है। पितृदेव ही आपके सारी शक्तियों को लेके आते हैं। आपकी कुल की देवी का पैरा आपके आंगन में होता है, जो आपका आंगन है, बगड़ है, सारी चीज वहां पे आपकी कुल देवी का पैरा होता है। जैसे और शक्तियां है, जैसे माँ काली हो गई, भैरव बाबा हो गए, बजरंगबली महाराज जी हो गए, माँ दुर्गा हो गई। अब देखो कुल की देवी है, वो दुर्गा के रूप में चलती चलती है, पर उनका पैरा मंदिर के साथ साथ आपके बगड़ में भी होता है, आपके आंगन में भी होता है। जहां आपका प्राइवेट कमरा है वहां जब आप याद करते हो जब भी वो शक्ति आती है, वरना वो उस प्राइवेट कमरे में प्राइवेट रूम में शक्तियां नहीं आती। किसी को भाई प्राइवेट रूम में शक्तियों के झटके लगते हैं, ये सोचते हैं कि भाई मेरे साथ शक्तियां चल रही है, प्राइवेट रूम में भी शक्तियां का आभास होता रहता है 24 घंटे, तो भाई ये चीज मान लेना आपके साथ शक्तियां नहीं चल रही। किसी चौकी पे गए हुए थे, चौकी ने अपनी मर्जी के हिसाब से चला रखा है, आप अपने पर्सनल अपने पति के साथ बैठे हो, सारी चीज बैठे हो, आप में सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, तो भाई ये समझ लेना वो चौकी वाले का खेल है। आपने किसी चौकी से शक्ति मिली हुई है, या फिर आपने कहीं से इलाज नहीं कराया, तो कोई भूत नहीं है, प्रेत आपके साथ चल रहा है, जो भाई आपके संभोग का या कुछ भी ऐसा समय होता है या कुछ ऐसी चीज है, वो बात वो करो जो क्लियर हो। आज के टाइम में कई बंदे ऐसे हैं जो भाई बात करने में हिचकिचाते हैं, सारी चीज का वो करते हैं। तभी भाई आपका पति और पत्नी अपने पर्सनल रूम में बैठे हुए, सारी चीज है, अपनी पर्सनल बातें चल रही है, पर्सनल बातों के दौरान बीच में एकदम से अगर आपको सवारी आ जाती है, सारी चीज आ जाती है, तो वहां भी आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ कोई शक्तियां नहीं चल रही। कुछ भी करते करते आपका शरीर खेल जाता है, आपको कोई किसी और चीज का आभास होने लग जाता है, कमरे में कोई आपको डर लगता है, सारी चीज का वो लगता है। भाई आप प्राइवेट रूम में जब बैठे और आपको सोचते हो शक्तियां चल रही आपके साथ, तो उस समय आपके साथ शक्तियां नहीं चल रही होती, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि शक्तियां कभी भी प्राइवेट रूम में आपके साथ नहीं आएगी, आप याद करोगे आपका प्राइवेट रूम कभी शुद्ध है कभी अशुद्ध है, इस चीज के लिए जो शुद्ध शक्तियां, हाँ माँ काली की सवारी तो आ सकती है, अगर आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पे आ रही है सारी चीजों, तो उसको रोकने के लिए माँ काली की सवारी, तो सवारी नहीं आएगी, वो भी सवारी नहीं आएगी, उसको चुपचाप से ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कद में सवारी शक्ति आई माँ की और कद में उसको ले गए, आपके पहले बात तो आपके रूम में प्रवेश नहीं करने देगी, क्योंकि सारी शक्तियां हरदम एनी टाइम एक्टिव रहती है, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आने तो उसी टाइम शक्ति एक्टिव हो जाती है, क्या चीज आई क्या नहीं, उसको बाहर भगा देती है, सारी चीज को दूर कर देती है। अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है कि भाई आपके पति पत्नी, एक केस बताता हूं ऐसा ही, एक चौकी का केस था। ये चौकी वाले क्या कर रहे थे भाई, आज से ये 1.5-2 साल पहले की बात है, तो चौकी वाले ने भाई एक को मशानी क्रिया वो रखी थी, मशानी क्रिया को उसको शुद्ध करके माँ काली का रूप दे दिया, माँ काली का रूप दे दिया, तो भाई उसमें प्राइवेट पति खुश था, चलो भाई माँ का वास हो गया, सारी चीज का हो गया, चौकी की बात है, मैं चौकी का नाम नहीं लूंगा, खुश हो गया, सारी चीज हो गया। अब भाई पति और पत्नी अपने घर में खुश थे, सारी चीज का था, सारी चीज शुक्र आ गया, सारी चीज आ गया, पर दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज जब आ गई भाई, पत्नी के अंदर शक्ति आगे खेलने लगी, सारी चीज का होने लगा। अब वो पति को कहती दारू ला के दे, पति सोचता भाई माँ है दारू पे चलेगी, कभी दारू ला के दे देता था, दारू पिला देता, कभी कहते भाई जी मुझे सिगरेट ला के दे, सिगरेट पिला देता, चल मैं माँ हूं पैर दबा, तो पैर दबाने लग जाता पत्नी के। कभी अपने पर्सनली रिलेशनशिप में थे तो सारी चीज प्राइवेट रूम था, वहां पे भाई पर्सनल उसमें आ रहा, तो वहां पे आके भाई जी वो करने लग जाते, गलत हरकत करने लग जाती, मतलब वो सारी मतलब सर्दी में सवारी आ देखी, वो कह रहा मेरे साथ कर। यो थी भाई यक्षणिया, मैं आपको बता देता हूँ, मशानी की और यक्षणियां साथ में चली हुई थी उस लेडीज के ऊपर, क्योंकि जिसने यक्षणियां साधना कर रखी है सारी चीज, उसके भाई एक अलग से वीडियो बताऊंगा, मैं अलग से समझाऊंगा यक्षणियां क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से नहीं। अद मशानी है जो शुद्ध करके किसी और को, मशानी की अगर होती रियल में भी होती तो वो ऐसे कार्य नहीं करती, शुद्ध हो गई होती तो उनके साथ जो नीचे की शक्तियां होती, क्योंकि मशानी माँ के साथ भूत प्रेत जिन मशाना आदि कई चीज ऐसी चलती है जो जोड़े में उनके चलते हैं, तो उनकी अलग ही निशानी है, उनकी अलग निशानी आपको बताऊंगा।
तो अगर किसी के साथ ऐसी हरकत हो रखी है ना भाई जी, वो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी माना तो अपने बेटे पे पा दूंगा। आपको माँ को पता होता है इसका पति है पैरों में, अगर ये जा रहा है तो इसमें इसकी इंसल्ट ही मेरी इंसल्ट है, क्योंकि औलाद तो ये भी मेरी है। तो ये चीज आपको सावधान होने की जरूरत है। आप बैठे पर्सनली बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, कुछ भी करो घर में, वो चीज से मैटर नहीं करता भाई जी। अगर सवारी आने के बाद आपको कोई ये चीज कर रही है आपके पति, अच्छा किसी में अगर सच्चे दिल से शक्तियां भी आती होगी, सारी चीज आती होगी ना, शक्तियां आती होगी और सारी चीज आती होगी, तो उसमें माँ चल रही होगी। अगर आप उसके पति है, आप उसके अगर आप उसके पति अगर आप उसके पैरों की तरफ जा रहे हैं, तो माँ ऑटोमेटिक रोक देगी, तुझे पैर छूने की जरूरत नहीं है। ये बात अगर सच्ची शक्ति की ये पहचान है भाई जी, माँ ऑटोमेटिकली ये रोक देगी कि तुझे इसके चरणों में आने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी शक्ति होगी, जो भाई ऐसी शक्ति आपने किसी चौकी से मिली हुई, किसी दरबार से मिली हुई शक्तियां है और वो शुद्ध कर रखी है, तो भाई वो आपके पैर दबाओ या उनको दारू पिलाओ या आप सिगरेट पिलाओ, वो कभी नहीं रोकेगी भाई जी, कभी नहीं रोकेगी। क्योंकि अच्छी शक्ति जो एक कहते हैं ना शुद्ध रूप होता है, जो माँ का एक असली रूप होता है, वो उस घर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे माँ सारी चीज समझा के रोक के बता के चलेगी क्या रिश्ता क्या कहलाता है। ये नहीं कि सास भी कभी बहू थी वो वाला रिश्ता नहीं होता है, यहाँ पे वो चीज समझाई जाती है माँ के द्वारा, वो चीज आपको सपने में दिखाई जाती है, वो चीज बताई जाती है कि तुझे ये कार्य नहीं कराने अपने पति से या अपने बच्चों से या अपने किसी सास से। कई बार क्या होता है कि भाई घर में सास और बहू रहती है, सास बहू के अंदर माँ आती, जैसी बहू के अंदर माँ आती है तो सास भी भाई पैरों में पड़ जाती है कि वाह मेरे बहू के में तो माँ आ गई। तो आपको सीधे बता देता हूँ, वो भी एक माँ है जिसके अंदर वो आ रही है लड़की, उसके अंदर भी माँ आ रही है। अगर सच्ची माँ होगी उसके अंदर, तो कभी सास को भी पैर में नहीं आने देगी भाई, ये बात का ध्यान रखना। कभी आप सोचो भाई मेरे अंदर माँ चल रही है, पैर छू और ये छू, तो माँ ही खुद मना कर देगी, नहीं तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। या वो यहाँ हाथ टेक सकती है सर पे, क्योंकि सर पे सवारी थी सारी चीज, हाथ टेक सकती है सर पे भी नहीं, वो भी दूर से, पूरा सर पे हाथ नहीं टेकी, दूर से हाथ रखेगी। सर पे हाथ रखने का मतलब ये होता है कि आशीर्वाद दे, दूर से आशीर्वाद देगी भाई जी। ये होता नहीं कि सर है सर के ऊपर पूरा हाथ धर दिया, कभी भी सच्ची शक्ति पूरा सर पे हाथ नहीं टेकेगी भाई जी, कभी पूरा हाथ देख देगा, वो भी भाई दूर से हाथ रखेगी, इतना ऊपर हाथ रखेगी, सारी चीज का आशीर्वाद जब देगी। ये छोटी छोटी पहचान है जो आपको करनी होती है, पहचाननी होती है, देखनी होती है, क्योंकि वो भी एक माँ है जिसने आपको जन्म दिया, वो भी एक माँ है जिससे आप शादी करके, जिसके लड़के आपका पति है, वो भी भाई माँ जिसकी आप साथ में सास के ऊपर हाथ दे रहे हो, तो माँ को पता कि माँ का अहमियत, एक पति की अहमियत कितनी होती है कितनी नहीं। हाँ ये तो जरूर हो सकती है, पति में आ रही है तो पत्नी पैर छू सकती है, क्योंकि गरुड़ पुराण आप किसी चीज में लिख लीजिए, पत्नी जो है वो भाई लक्ष्मी माँ आप देखिए, विष्णु भगवान पैरों में है। जहां घर में भाई वाइफ अपने पति की इज्जत करके चलते है, उस घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जहां पत्नी बात बात पे नखरे करे, नाराज हो या बात बात पे ताना मारे, तुमने तो ये कर दिया, तुमने पैसों का मत में ये कर दिया, ये तुमने ये चीज कर दिया, वहां भी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। क्योंकि भाई अगर लक्ष्मी का वास करना है तो पति पत्नी के अनबन कम करो। हाँ कभी लड़ाई झगड़े दो बर्तन तो खड़केंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं भाई, जहां वो थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है, महीने दो महीने महीने में एक बार लड़ाई होगी, वो तो चलनी भी चाहिए, उसमें वो नहीं है, क्योंकि पता लगता रहता है लड़ाई झगड़े में कहीं लड़ाई का नाम की कुछ चीज है। पर ये चीज है कि डेली 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 15-20 दिन एक चीज में निकल के लड़ाई के सुने, तो वहां कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। तो आशा करता हूं जो मैंने आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना। मैं आपको अपना प्यारा विकास दिया दिल्ली दरबार से, अभी भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप लोगों को पूरा करना है, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जब जब हम लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। तो बोलो सच्चे दरबार की, कमेंट करके जाया करो भाई जी, जिससे हमें भी पता लगे हमारी वीडियो कौन देखता है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।